नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। सो बच्चों, आज हम क्लास में बात करने वाले हैं जीव विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र और जीव विज्ञान की कृषि में महत्व। जीव विज्ञान का कृषि में महत्व और जीव विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, ये दो टॉपिक हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, आज का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आप उसके बाद जो भी थ्योरी बची होगी वो आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर मैं इतना कवर करवाऊँगा, छोटी छोटी बातें आपको लिखवाऊँगा, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो थ्योरी बची हुई थ्योरी आप पढ़ें, और कल से हम सेकंड चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2। शुरू करते हैं आज की क्लास को, जीव विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। कि जीव विज्ञान का हम किन क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं, हमारी बात वही है। हम सबसे पहले तो जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं भोजन एवं जीव विज्ञान, ये हमारा पहला क्षेत्र है। इसमें हम देखते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दो तरह के जीव जंतु होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और मांसाहारी जो होते हैं वो अन्य जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बात क्लियर है कि शाकाहारी और मांसाहारी दो प्रकार के जंतु होते हैं। शाकाहारी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और अन्य जंतु जो होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो अपना भोजन अन्य जंतुओं के मांस से प्राप्त करते हैं। बात क्लियर होगी यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शाखा की ओर। नंबर 2 शाखा है स्वास्थ्य रोग और जीव विज्ञान। स्वास्थ्य रोग सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे जो रोग फैलता है उस क्षेत्र का हम अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत करते हैं, स्वास्थ्य रोग और जीव विज्ञान के अंतर्गत। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो रोग फैलाते हैं और रोगों से हानियां होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि जो होते हैं, वो हमें जो नुकसान पहुँचाते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो जो हो गया वो स्वास्थ्य रोग और जीव विज्ञान के क्षेत्र में हम उसकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगला है कृषि और जीव विज्ञान। 70% लगभग कृषि पर आधारित है लोग, लगभग 70% लोग कृषि पर आधारित है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और है अभी तक, तो रोजगार और भोजन आदि सभी किससे रेल है, कृषि से मिला जुला है। रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास भी इसी क्षेत्र में किया जाता है। बात क्लियर होगी, बाकी की थ्योरी आपके बुक में दे रखी है, वहां से पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण मैंने नोट करवा दिया है। अगला है नंबर 4, उद्योग व्यवसाय और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का अध्ययन विभिन्न उद्योगों तथा औद्योगिक उत्पादों में भी सहायक है। हम जीव विज्ञान का अध्ययन विभिन्न उद्योगों तथा औद्योगिक उत्पादों में भी सहायक होता है। कैसे करते हैं कि हमने इनमें से मोती उत्पादन, स्पंज उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, शहद उत्पादन, ऊन उत्पादन, लाख उत्पादन, मछली का भी उद्योग करते हैं, तो मछली उत्पादन आदि प्रमुख ऐसे उद्योग होते हैं जिनका जीव विज्ञान के अध्ययन में विभिन्न उद्योगों तथा औद्योगिक उत्पादों में भी महत्व है और सहायक होता है। यहाँ पर देखिए कि हम जीव विज्ञान का उत्पादन मोती करते हैं, स्पंज उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, शहद उत्पादन हो गया, ऊन, लाख उत्पादन, मछली उत्पादन उद्योग आदि में जीव विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं या सहायक हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। इन उत्पादों द्वारा हम विभिन्न प्रकार की कीमती वस्तुओं का निर्माण करते हैं, निर्माण होता है जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। आज कई सारे कृषि आधारित उद्योग लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है कि आज कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिनके द्वारा लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और वहाँ पर रोजगार के अवसर भी उनको मिल रहे हैं, जिससे वो अपनी आय प्राप्त करके घर गुजारा चला रहे हैं। बात एकदम क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है 5वां, जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान। अनेक लाभदायक
और महत्वपूर्ण जीव जिन्हें तीव्र प्राकृतिक परिवर्तन से विनाश का खतरा होता रहता है, इन जीवों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित किया जाता है। बात समझिए कि अनेक प्रकार के लाभदायक और महत्वपूर्ण जीव होते हैं जिन्हें कुछ तीव्र प्राकृतिक जैसे आपदा आ जाती है तो उस कारण से उनका विनाश का खतरा होता है और कभी कभी तो विनाश हो भी जाता है, तो इन जीवों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए, जैसे हम कहते हैं इस वस्तु को ढंग से रख, यहाँ पर सही ढंग से पड़ी रहेगी, तो उसी प्रकार से संरक्षित कर हम उनको बचा सकते हैं क्योंकि लाभदायक और महत्वपूर्ण जीव होते हैं। बात क्लियर होगी यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अगला है जीव विज्ञान का कृषि में महत्व। जीव विज्ञान कृषि में किस प्रकार से कार्य करती हैं? तो जीव विज्ञान में मानव कल्याण हेतु उपयोगी पौधों एवं उनके उत्पादों के बारे में व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में क्या किया जाता है कि हमें मानव कल्याण हेतु मानव के लिए जो उपयोगी पौधे होते हैं उनके उत्पादों और उनके उत्पादन के बारे में व्यवस्थित अध्ययन करने को मिलता है। जीव विज्ञान का अपना कृषि में एक विशेष महत्व है, अलग ही महत्व है। नंबर एक देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि जीव विज्ञान का किस प्रकार से महत्व है। तो सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी फसलोत्पादन मृदा प्रबंधन से अध्ययन फसलोत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से अध्ययन को सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान की परिभाषा फसलोत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के अध्ययन को सस्य विज्ञान कहते हैं। फसल में उचित सस्य क्रियाओं को समय पर अपनाने से उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। बात एकदम करेक्ट कही है कि यदि हम सस्य क्रिया निराई गुड़ाई होगी, पत्थर निकालना हो गया, जुताई करना हो गया, खरपतवार को हटाना हो गया, ये सभी क्रियाएं हम उचित समय पर करेंगे तो हमारा जो उत्पादन होगा, फसल से हमें उत्पादन मिलेगा, वो हमें अच्छा प्राप्त होगा। बात क्लियर होगी यहां तक? फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं, परिभाषा यहां से यहां तक परिभाषा हो गई और अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए, सेकंड नंबर, उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फूल फल व सब्जियों को उगाने और उनके विकास व प्रबंधन करने की कला को उद्यान विज्ञान कहते हैं। फूल फल व सब्जियों को उगाने की कला को या उनके विकास व प्रबंधन की कला को उद्यान विज्ञान कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बात क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट, जिसमें हम फूल उत्पादन करते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं और उनका विकास डेवलपमेंट और उनका मैनेजमेंट करते हैं, उस मैनेजमेंट करने की कला को उद्यान विज्ञान कहते हैं। बात सीधी साधारण आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पीछे पुराने लिखा हुआ था तो फल फूल व सब्जियों को उगाने और उनका प्रबंधन या विकास की कला को उद्यान विज्ञान कहते हैं। ओके, अगला है नंबर तीन, फॉरेस्ट्री वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण, वनोत्पादों का व्यवस्थित उपयोग आदि का अध्ययन इस उपशाखा में करते हैं। हमें वनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, पेड़ पौधों को कैसे बचाया जाता है, वृक्षारोपण कैसे करते हैं, पेड़ पौधों को कैसे उगाते हैं और उनसे मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं उनका व्यवस्थित उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये हम वानिकी शाखा में सीखते हैं। आजकल कृषि वानिकी की धारणा प्रचलन में आ रही है, हम सभी जानते हैं, आजकल कहते हैं पेड़ बचाओ, सही बात है। अगला है नंबर पांच। नंबर चार है पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन।
वंशागति मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण और उनमें पाए जाने वाले विभिन्न लक्षण। वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी और विभिन्नताएँ उनमें पाए जाने वाले लक्षण का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स। पौधों के जीन रूप में से ऐसे परिवर्तन करना जो मानव के लिए और अधिक उपयोगी हो पादप प्रजनन कहलाता है। पौधों के जीन रूप में ऐसे परिवर्तन करना जो मानव के लिए उपयोगी हो, हम पौधों में ऐसे संवर्धन के द्वारा, नर्सरी के द्वारा ऐसे नए नए परिवर्तन लाएं कि जो मानव के लिए उपयोगी हो, उस क्रिया को हम पादप प्रजनन कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। इट इज़ कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। नई किस्मों का विकास करना इस उपशाखा का मुख्य उद्देश्य है। नई किस्मों का विकास करना इस शाखा का मुख्य उद्देश्य है। हम इसमें नए पेड़ पौधे किस प्रकार से बना सकते हैं, उनका अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सभी हम इस शाखा के अंतर्गत सीखते हैं। वानिकी हमने बात कर ली, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी हमने पढ़ लिया, हॉर्टिकल्चर हमने बात कर ली, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पादप रोग विज्ञान के बारे में। पादप रोग विज्ञान क्या है और किसे कहते हैं? अब आता है पादप रोग विज्ञान। फसलों, पादपों, फलों व सब्जियों में होने वाले विकारों या रोगों का अध्ययन, कारण व उनकी रोकथाम का ज्ञान या अध्ययन पादप रोग विज्ञान कहलाता है। फसलों में या पादपों में या फलों में या सब्जियों में कौन से विकार लग रहे हैं, कौन से रोगों का प्रकोप हो रहा है और उससे का कारण क्या है और उनकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये सभी बातें हम पादप रोग विज्ञान में पढ़ते हैं या सीखते हैं। स्वस्थ पौधे ही अधिकतम उत्पादन दे सकते हैं, बात एकदम सही, बात क्लियर है कि फसलों, पादपों और फलों व सब्जियों में होने वाले विकार, रोगों का अध्ययन, कारण, उनकी रोकथाम का कैसे कर सकते हैं, उसका हम अध्ययन पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत करते हैं और इसे प्लांट ब्रीडिंग कह लेते हैं। अगला है भेषज विज्ञान। भेषज विज्ञान क्या है कि औषधीय महत्व के पौधों का अध्ययन भेषज विज्ञान कहलाता है। हम औषधीय पौधों का महत्व करते हैं या महत्व के पौधों का अध्ययन करते हैं। औषधीय पौधे जितने भी हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उन सभी का अध्ययन करते हैं वो हम भेषज विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पादपों का सही पहचान कर उनका विभिन्न रोगों के निवारण में प्रयोग करना इस उपशाखा में सम्मिलित है। आपको पता है कि औषधीय पौधों के द्वारा विभिन्न रोगों का निवारण किया जा सकता है, मनुष्य में भी, जंतु में भी। तो हम उन्हीं औषधीय पौधों के महत्व, इम्पोर्टेंस के बारे में इस भेषज विज्ञान की शाखा में बात करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से उन रोगों की पहचान की जा सके, उनका किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि किस पौधे से कौन सा रोग विनाश कर, मतलब नष्ट हो सकता है, ये सभी बातें हम इस शाखा में सीखते हैं। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर 1 जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी कंप्लीट की है। फर्स्ट चैप्टर हमने यहीं पर ख़त्म किया है। अब हम कल से चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे और वहीं चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को देख रहे हो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर बच्चा पढ़ सकें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।